हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 9 जुलाई 1925 में बेंगलोर में इस महान फिल्म मेकर का जन्म हुआ था। इनका नाम गुरुदत्त। हिंदी सिनेमा को प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और चौधरी का चांद जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले फिल्म मेकर और एक्टर गुरुदत्त को उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायरेक्शन के लिए जाना जाता है, माना जाता है। फिल्म के इतिहास में गुरुदत्त का नाम हमेशा हमेशा याद किया जाता है और याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ यादगार फिल्में बनाई, साथ साथ उससे पहले कुछ कमर्शियल फिल्में भी बनाई, जैसे सीआईडी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, और वो भी कामयाब फिल्में बनाई। उसके बाद उन्होंने बनाई ये क्लासिक्स जो दुनिया भर में आज क्लासिक्स मानी जाती हैं, ऑल टाइम क्लासिक्स मानी जाती हैं, प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और चौधरी का चांद। दोस्तों, गुरुदत्त बेहतरीन एक्टर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायरेक्टर, इन पे बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्मों के गोल्डन एरा में, स्वर्णिम दौर में, तीन फिल्म मेकर्स महबूब खान, राज कपूर और गुरुदत्त ऐसे नाम हैं जिन्होंने रिस्क लेकर कमर्शियल सिनेमा में कलात्मक फिल्में बनाने की कोशिश की। स्वर्ण काल की फिल्मों में कहानी, गीत, संगीत और अभिनय के साथ ही डायरेक्शन काफी प्रभावशाली होता था। गुरुदत्त एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर था। गुरुदत्त को एक बेहतरीन एक्टर के तौर पे फिल्मों के इतिहास में याद तो जरूर किया जाएगा, लेकिन बतौर डायरेक्टर उनका कोई सानी नहीं है। गुरुदत्त इज इनकम्पेरेबल। कई लोग गुरुदत्त को राज कपूर से बहुत बड़ा डायरेक्टर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक संदेश के लिए फिल्मों को अपने एक इंटेंस एक्सप्रेशन का मीडियम बनाया। तभी कुछ लोग गुरुदत्त को राज कपूर से बेहतर और बड़ा फिल्म मेकर मानते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वो साल था 1944। प्रभात फिल्म कंपनी बहुत सारी फिल्में बना रही थी और वहीं पे प्रभात फिल्म कंपनी के जरिए गुरुदत्त ने फिल्मों में कदम रखा एज अ कोरियोग्राफर। इसी दौरान उनकी दोस्ती हो गई, बहुत करीबी दोस्ती हो गई देव आनंद से। ये भी अपने आप में बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक है। गुरुदत्त वहां पे कोरियोग्राफर थे और देव आनंद की ये पहली फिल्म थी। एक बार जब वो स्टूडियो आए शूटिंग के लिए दोनों, तो गुरुदत्त ने देवानंद की तरफ देखा और देवानंद ने गुरुदत्त की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ कहा, आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी। और उसके बाद दोनों हंसे। इत्तेफाक ये हुआ था कि दोनों की लॉन्ड्री एक ही थी और दोनों एक ही जगह पे अपने कपड़े धुलाया करते थे और उनके शर्ट्स एक्सचेंज हो गए थे। इस वजह से गुरुदत्त ने देवानंद का शर्ट पहना था और देवानंद ने गुरुदत्त का शर्ट। दोनों ने एक दूसरे के शर्ट की तारीफ की, हंसे और यहाँ से उनके बहुत ही गहरे दोस्ती की शुरुआत हुई। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। देवानंद ने कहा कि अगर वो फिल्में बनाना शुरू करते हैं तो फिल्म का डायरेक्शन गुरुदत्त करेंगे, और गुरुदत्त ने कहा कि अगर वो फिल्में बनाते हैं तो उनकी फिल्म में हीरो होगा देवानंद। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हो गई और दोनों ने अपना वादा निभाया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, गुरुदत्त ने फिल्मों में कदम रखा 1944 में प्रभात फिल्म के जरिए, और वहीं पे उनकी दोस्ती हुई देव आनंद के साथ। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्में बनाएंगे तो देवानंद की फिल्मों का डायरेक्टर होगा गुरुदत्त और गुरुदत्त की फिल्मों का हीरो होगा देव आनंद। दोनों ने अपना वादा निभाया और देवानंद के बैनर नवकेतन तले उनकी पहली फिल्म जो बाजी बनी, उसके डायरेक्टर थे गुरुदत्त। ये गुरुदत्त की पहली फिल्म थी और उनकी आखिरी फिल्म थी सांझ और सवेरा मीना कुमारी के साथ। दोस्तों, गुरुदत्त ने सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमर्शियल फिल्में बनाई। इनके गाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये फिल्में बहुत चली, लोगों को बहुत पसंद आई। और उसके बाद उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम और चौधरी का चांद जैसी क्लासिक फिल्में बनाई। गुरुदत्त एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे, बहुत ही संवेदनशील।
उनमें बहुत सारी इंटेंसिटी थी और वो हर चीज को उसी नजरिए से देखते थे, इसलिए वो महान फिल्में बना पाए। उनके बारे में देवन कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में उनके एकमात्र सच्चे दोस्त गुरुदत्त रहे, एक बेहतरीन एक्टर, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायरेक्टर गुरुदत्त। इन पे बातें बहुत सारी करनी है, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गुरुदत्त के नाम से पॉपुलर वेल नोन वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को बैंगलोर में हुआ था। टाइम मैगजीन द्वारा चुनी गई 100 ऑल टाइम ग्रेट एंड बेस्ट फिल्मों में गुरुदत्त की प्यासा और कागज के फूल को शामिल किया गया है। साल 1944 से 1964 के बीच गुरुदत्त एक्टिव रहे, फिल्में बनाते रहे और 10 अक्टूबर 1964 को बंबई के पेडर रोड के अपार्टमेंट में अपने बिस्तर में गुरुदत्त मृत पाए गए। He was dead. उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 39 साल। एक बहुत ही छोटी उम्र में ये महान डायरेक्टर चले गए, दुनिया से दूर चले गए। बहुत ही संवेदनशील थे, कई बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से उनकी मौत हो गई। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गुरुदत्त एक महान फिल्म मेकर, उन्होंने क्लासिक्स बनाए। दोस्तों, जब हम किसी फिल्म को इवैल्यूएट करते हैं तो कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। गुरुदत्त के दौर को फिल्मों का गोल्डन एरा माना जाता है, 1950s 1960s, बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन फिल्में, बेहतरीन स्क्रिप्ट्स। देखिए, आज के दौर में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है और सिनेमास्कोप और डॉल्बी सिस्टम बहुत कुछ आ गया है। लेकिन अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि आज की फिल्मों में आत्मा नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है, कहानी नहीं है। फिल्मों में वैरायटी शायद है, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट बहुत कमजोर होते हैं। और उस जमाने में, गोल्डन एरा के जमाने में, 1950s और 60s के जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, 35mm स्क्रीन, सिनेमास्कोप नहीं था उस वक्त हिंदी सिनेमा में, लेकिन कहानियों में, स्क्रिप्ट्स में दम हुआ करता था। सिंपल से सिंपल फिल्म भी आपको अपील कर जाती, क्योंकि उसमें कोई ना कोई जज्बात जरूर हुआ करता था। राज कपूर की फिल्में देखिए, महबूब खान की फिल्में देखिए, गोल्डी आनंद की फिल्में देखिए, गुरुदत्त की फिल्में और बहुत सारे महान फिल्म मेकर्स उस जमाने के, उस दौर के। तो जब हम इनको असेस करते हैं, हम इनको इवैल्यूएट करते हैं, तो ये जरूरी है कि हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी बात, गुरुदत्त की फिल्में देखकर प्यासा, कागज के फूल, साहबीबुल गुलाम, चौधरी का चांद, आर पार, सीआईडी, मिस्टर मिसेस 55, एक बात तो डेफिनेटली सामने आती है कि टेक्नोलॉजी इन द अल्टीमेट एनालिसिस सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट, कहानी, उसका म्यूजिक और फिल्म मेकर क्या कहना चाहते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि गुरुदत्त हिंदुस्तान के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान फिल्म डायरेक्टर थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गुरुदत्त ने शादी की गीता रॉय से, जिन्हें बाद में जाना जाने लगा गीता दत्त इस नाम से। गुरुदत्त और गीता रॉय एक दूसरे से मिले, पसंद किया, शादी हुई। दोस्तों, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनकी खासियतों को, खूबसूरतियों को अल्फाज के बंधन में बांधना नामुमकिन सा होता है। ईश्वर की बनाई हुई ऐसी एक आवाज बंगाल के इदलापुर गांव में पैदा हुई। दिन था 23 नवंबर 1930। कई खासियतों से मुकम्मल इस आवाज को ईश्वर ने खास तौर से बनाया और इस आवाज को दुनिया जानती है गीता दत्त इस नाम से। कभी झील के पानी की तरह खामोश, कभी समंदर की तरह गहरी, कभी पर्वतों से बहने वाले नदी की तरह उछलती कूदती, तो कभी जज्बातों के रिमझिम बारिश में दिल को भिगोने वाली ये आवाज सचमुच लफ्जों की सरहदों से परे है। गाना चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी ढंग का हो, गीता दत्त अपने आवाज का जादू कुछ इस तरह फैलाती थी कि सुनने वाला अपना दिल खो बैठता था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बात है 1946 की। मुंबई की एक सड़क से संगीतकार हनुमान प्रसाद गुजर रहे थे।
जब एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से गाने की आवाज सुनाई। हनुमान प्रसाद पहले तो नीचे खड़े होकर सुनते रहे, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले गए। सांवली सी सुंदर लड़की ने शायद उन्हें देखा नहीं, वो गाती ही रही। और हनुमान प्रसाद ने उस लड़की के पिता से कहा, आपने अपने रत्न को घर में छुपा रखा है, इसे रोशनी में झलकने दीजिए, झलकने दीजिए। उस लड़की के पिता खुश हो गए। उनका सपना था कि उनकी बेटी मशहूर गायिका बने। संगीतकार हनुमान प्रसाद ने फिल्म भक्त प्रह्लाद में इस लड़की को गीता रॉय को गाने का मौका दे दिया। गीता रॉय की आवाज सुनकर संगीतकार सचिन देव बर्मन काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म दो भाई में कुछ गाने गीता से गवा लिए और ये गाने काफी मकबूल हुए, बहुत पॉपुलर हुए। इस फिल्म का सबसे मशहूर गाना था मेरा सुंदर सपना बीत गया। फिल्म की हीरोइन का सपना तो टूट गया था, लेकिन इस गाने के साथ अपनी बेटी को एक मशहूर गायिका बनाने का गीता रॉय के पिता का सपना 100% पूरा हो गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गीता दत्त जो भी गाती थी दिल से गाती थी, गाने में डूब कर गाती थी। किसी भी तरह के गाने के जज्बों के एक्सप्रेशन की जो उनकी काबिलियत थी वो आश्चर्यजनक थी, और उन्हें जो ये एबिलिटी थी एक्सप्रेशन की बिल्कुल कुदरती थी, नेचुरल थी। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि एक्सप्रेशन को प्रभावी करने के लिए गीता दत्त कोई खास कोशिश कर रही है, क्योंकि गीता दत्त दिल से गाती थी तो सब कुछ स्वाभाविक सा लगता था, नेचुरल सा लगता था। इसलिए शायद संगीतकार ओपी नैयर गीता दत्त को नेचुरल मिरेकल के नाम से पुकारते थे, नेचुरल मिरेकल गीता दत्त। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 1951 में सचिन देव बर्मन फिल्म बाजी का संगीत तैयार कर रहे थे। इसी दौरान गुरुदत्त ने गीता को पहली बार देखा और सुना। गीता की आवाज की ताजगी और व्यक्तित्व की प्रसन्नता ने गुरुदत्त का मन मोह लिया। बाजी का डायरेक्शन गुरुदत्त ही कर रहे थे। गीता की आवाज और उनके रूप का जादू कुछ इस तरह से चल गया कि गुरुदत्त गीता के प्यार में पूरी तरह से डूब गए। 21 साल की गीता भी गुरुदत्त से बेहद प्यार करने लगी। 26 मई 1953 को गुरुदत्त और गीता रॉय शादी के पवित्र बंधन में बंधे। गीता रॉय गीता दत्त बन गए। इसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 29 मई 1953 को इंसान ने माउंट एवरेस्ट पे पहली बार कदम रखा। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा, लेकिन गीता दत्त तो खुशियों के माउंट एवरेस्ट पे पहले ही पहुंच चुकी थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गीता दत्त के करियर में 3 संगीतकारों की सबसे बड़ी अहमियत थी, एसडी बर्मन, ओपी नैयर और हेमंत कुमार। लेकिन इन तीनों के अलावा और भी कई संगीतकार थे जो इस आवाज के दीवाने थे। संगीतकार बुलोसी रानी ने फिल्म जोगन के 12 गाने गीता दत्त से गवा लिए थे। सारे के सारे गाने गीता दत्त से गवा लिए थे। फिल्म जोगन की हीरोइन थी नरगिस। सफेद लिबास में नरगिस के मुंह से गीता दत्त की आवाज में भक्ति रस में डूबे हुए मीराबाई के भजन जब लोगों ने सुने तो गीता की आवाज के इस अनसुने अंदाज ने सभी को मोह लिया, मेस्मराइज कर दिया। सभी भजन काफी पॉपुलर हुए, बहुत लोकप्रिय हुए, जैसे कि मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मत जा जोगी, और एरी मैं तो प्रेम दीवानी। लेकिन जो भजन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। जोगन के गाने संगीतकार बुलोसी रानी ने कंपोज किए थे। ये गाने बहुत पॉपुलर हुए और लोग जब भी इन गानों को सुनते हैं तो उन्हें इंजॉय करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जहां भक्ति और श्रद्धा जैसे भाव गीता की आवाज में शगुफ्ता उठते थे, वहीं दूसरी ओर मत भरे गीत भी उनकी आवाज में काफी जंचते थे। एक गाने की सिचुएशन कुछ इस तरह थी। फिल्म के हीरो अशोक कुमार एक रईस आदमी हैं, शादीशुदा हैं और सीधे साधे भी।
उनकी दौलत हथियाने की साजिश, फिल्म की वैंप श्यामा और उसका प्रेमी ओम प्रकाश प्लान करते हैं। अशोक कुमार को घर में अकेला पाकर अपनी खूबसूरती के जाल में उन्हें फंसाने का प्रयास श्यामा करती है, वैंप करती है। इस फिल्म के संगीतकार थे मदन मोहन। ऐसी सिचुएशन के लिए उनके मन में गीता दत्त का ही नाम सबसे पहले उभरा और गीता दत्त ने भी इस गीत को कुछ इस अंदाज से अंजाम दिया कि ये उनके करियर के सबसे बेहतरीन गीतों में से एक बन गया। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया, वो कौन है जो आखिर ख्वाबों पे छा गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गीता दत्त के गाए हुए ड्यूएट्स की बात जब निकलती है तो सबसे पहले जुबान पे नाम आता है रफी साहब का। दोनों के आवाज में ताजगी थी, एक जादू थी, इसलिए दोनों के गाए हुए कई ड्यूएट्स काफी पॉपुलर हो गए। खास तौर पे इन दोनों ने गुरुदत्त की फिल्मों में जो ड्यूएट्स गाए वो काफी मशहूर हुए। गुरुदत्त ने स्क्रीन पे अपनी जो एक सीधी साधी इमेज बना रखी थी उसके लिए रफी साहब की सादगी और पाकीज़गी भरी आवाज बड़ी अच्छी लगती थी। और कभी कभी जब इस सादगी भरे आवाज के सामने गीता दत्त की आवाज की शरारत खिल उठती थी तो मसला बड़ा मजेदार बन जाता था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिंदगी के खुशहाल दिन भी कितनी जल्दी बीत जाते हैं। गीता दत्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अपने परिवार के साथ बड़ी खुश थी मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उनके पति गुरुदत्त की जिंदगी में एक तूफान आया जिसका नाम था वहीदा रहमान। वहीदा रहमान के प्यार में गुरुदत्त अपने होशो हवास खो बैठे। जब इस बारे में गीता दत्त को पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई। उनके दिल को गहरा सदमा पहुंचा। उसी दौरान एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि गुरुदत्त ने सिर्फ पैसों के लिए गीता दत्त से शादी की। ये पढ़कर गुरुदत्त बहुत नाराज हो गए और उन्होंने गीता दत्त पे बाहर की फिल्मों में गाने पे पाबंदी लगा दी। गीता दत्त ये बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी। गाना तो उनके लिए सब कुछ था, गाना उनके लिए आत्मा था, लेकिन फिर भी वो मान गई। किसी भी कीमत पे वो गुरुदत्त को खोना नहीं चाहती थी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, गुरुदत्त ने गीता दत्त पे पाबंदी तो लगा दी और गीता दत्त ने उसे मान भी लिया, लेकिन वो ये पाबंदी ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। गाने के बिना गीता दत्त तड़प उठी, बेचैन हो। उन दिनों गुरुदत्त सुबह ऑफिस चले जाते और शाम 6 या 7 बजे तक घर पहुंच जाते। गीता दत्त दोपहर को घर से निकल जाती और गुरुदत्त के इजाजत के बिना गाने रिकॉर्ड करती। कभी कभी तो गाना जल्दी रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन कभी कभी गाना रिकॉर्ड करने में देर हो ही जाती। जो जो घड़ी की सुई 6 बजे की तरफ बढ़ती, गीता दत्त के मन की घबराहट बढ़ जाती, उनकी धड़कन तेज हो जाती, वो बिल्कुल बेचैन हो जाती। 6 बजते ही उनका मन घबरा उठता, नर्वस हो जाता। इस कश्मकश से, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए गीता दत्त ने खुद ही गाना छोड़ दिया। केवल 6-7 सालों में सब कुछ चेंज हो गया, बदल गया। अपनी पत्नी की आवाज पे दिल कुर्बान करने वाला गुरुदत्त, अब वो गुरुदत्त नहीं रहा और अपने पति से बेतहाशा मोहब्बत करने वाली गीता दत्त भी अब वो गीता दत्त नहीं रही। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वक्त की रफ्तार पे किस्मत ने अपने मोहरे कुछ इस तरह से बिछा दिए कि इन दो जिंदा दिल फनकारों ने बसाया हुआ गृहस्थी का दाव पूरी तरह से बिखर गया। गृहस्थी और मोहब्बत की कश्मकश से बेबस गुरुदत्त ने 9 अक्टूबर 1964 के दिन नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली और गीता दत्त ने शराब को अपना लिया। दोस्तों, 1970 के दशक की बात है। इस दशक की शुरुआत में 2 फिल्में आई थी। इन फिल्मों में गीता दत्त ने कुछ गाने जरूर गाए, लेकिन
समय बहुत कम बचा था। शराब का खुमार, शराब का कैफ उन पे चढ़ता ही गया और 20 जुलाई 1972 के दिन इस महान गायिका ने अपनी आखिरी सांस ली। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 42 साल। इतनी छोटी जिंदगी में उन्होंने लाखों संगीत प्रेमियों को ताउम्र अपना दीवाना बना दिया। दोस्तों, गौर देने लायक बात यह है कि गुरुदत्त अपनी फिल्मों में इंसानी रिश्तों पे हमेशा रोशनी डालते थे और इन रिश्तों की उलझनों को सुलझाने की कभी कभार कोशिश भी दिखाते थे। लेकिन गुरुदत्त अपने रिश्तों की उलझनों को कभी सुलझा नहीं सके। तभी तो मैं कहता हूं कि हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बात।